नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल। तो यहाँ पे जो है आपको बताया, लोकसभा 2019 के रिजल्ट आ गए हैं, बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, प्रचंड जीत हुई है। लेकिन एक ऐसे भी बड़े नेता है जिनकी हार हो गई है बीजेपी से, और वो है दोस्तों मनोज सिन्हा जी, माननीय संचार मंत्री हमारे। और यहाँ पे देख सकते हैं करीब 1 लाख वोटों से यहाँ पे हार हुई है। और एक नंबर पे थे BSP गाजीपुर से, जो थे BSP के थे अफजल अंसारी जी, और यहाँ पे उनकी जीत हुई है। और वहाँ पे हार हो गई है, जो कि देश भर में बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता जीते हैं, लेकिन मनोज सिन्हा जी नहीं जीत पाए हैं। इस पर जो है दोस्तों संचार मंत्री भी है, इसलिए ग्रामीण डाक सेवकों का ये अलग अलग मत यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने GDS रिपोर्ट में जो है धोखेबाजी की, GDS रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया, एरियर नहीं दिया, इसलिए उनका ये फल मिला है, इस तरह का कहना है GDS का। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि GDS की ये एक ताकत है, एकता है, कि वो गांव में जाके इस तरह की प्रोपागेंडा कर रहे थे ताकि जो है बीजेपी सरकार पे ना आए, इस तरह की ये कहने वाली बातें हैं। लेकिन सच्चाई कितनी है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हो सकता है ये जो है इलेक्शन में जो हार जीत चलती रहती है, कुछ एफर्ट्स कम रह गए होंगे। वहीं जो है भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है संतोष जी ने ये कहा है कि इस तरह से ये कहना सही नहीं होगा, किसी को बददुआ देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हार जीत तो चलती ही रहती है। और बीजेपी ने काफ़ी सारे यहाँ पे वायदे पूरे किए हैं, GDS का जो वेतन को भी बढ़ाया है, और कई सारे मांगे GDS रिपोर्ट की पूरी की है। फिलहाल पूरी तो नहीं हुई है, 5 साल कम होते हैं, और आगे परमानेंट होने के लिए भी एफर्ट्स डाले जाएंगे। तो दोस्तों ये है पूरा रिपोर्ट, और यहाँ पे इस तरह की और भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम आपको डेली अपडेट ज़रूर देंगे। धन्यवाद।